हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हमारा सिक्स डे है, आज छठा सेशन है हमारा। आज आपने देखा सिक्स लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, जीके, इंग्लिश ग्रामर एंड हिंदी ग्रामर। तो आज इन सेशन से मुझे लगता है आप लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है मुझे व्हाट्सएप पर और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर रहे हैं कि सर ये ऐसी क्लासेस अगर मिलती रहे तो लाइफ में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली स्टूडेंट्स, इस तरह के क्लासेस जो हैं वो आपको प्रेपराइज ही दे सकता है और मुझे आशा है कि आप लोग बहुत आगे जाएंगे। मेरी एक गुजारिश है आपसे कि इस मुहिम का हिस्सा तो आप बन ही चुके हैं, तो क्यों नहीं हर एक स्टूडेंट जो है वो कम से कम 10 स्टूडेंट को और जोड़े। आप कम से कम 10 लोगों को और जोड़े प्रेपराइज पर, 10 लोगों तक ये चैनल एटलीस्ट पहुँचाएँ और हमारा जो ये चैनल है ये ग्रो करेगा आगे, डेफिनेटली ग्रो करेगा, क्योंकि इस परिवार को बड़ा बनाने में हम सब इकट्ठा होकर चलेंगे। हमें एकजुट होकर चलना पड़ेगा कि हमारे हिमाचल में दूर दराज के इलाकों तक हर बच्चे तक प्रेपराइज चैनल पहुँचे, और वो बच्चे जो हैं, जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट घर पर बैठे हैं, किसी कारणवश स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो उन तक हम एक इस शिक्षा का अलख जो है ये जगाएँ, ताकि उन तक हर एक न्यूज़ जाए, हर एक जॉब से रिलेटेड अपडेट्स जाए और उनसे रिलेटेड कोचिंग जाए, ताकि वो लोग घर पर बैठकर अपने मोबाइल पर कुछ सीख पाएँ और लाइफ में कुछ आगे बढ़ पाएँ। अदरवाइज़ बिना गाइडलाइंस के, बिना मोटिवेशन के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम इस तरह से सब एकजुट होकर चलेंगे। तो आज मेरे साथ ये कमिट कीजिए कि एटलीस्ट आप 10 लोगों को और जोड़ेंगे प्रेपराइज पर। हर एक स्टूडेंट जोड़ेगा तभी तो ये परिवार बड़ा बनेगा ना। बाकी रही सेशन की बात, तो सेशन में कई चीज़ें ऊपर नीचे चलती हैं, वो आप समझते हैं, और बैकएंड पर हमारी टीम बढ़ रही है। तो मेरा एक कमिटमेंट है आप लोगों से कि हम बहुत जल्द आपको पीडीएफ वर्जन में मैगजीन्स और जो हमारे मॉक टेस्ट हैं और टेस्ट सीरीज़, इनकी शुरुआत भी करने वाले हैं। और हाँ, वेबसाइट पर हम लोग बहुत जल्द एक डिस्कशन फोरम भी बनाने वाले हैं, जहां पर आप सब अपने अपने क्वेश्चंस पुट करें, आपको रिस्पांस मिलेगा, आपको आंसर्स भी मिलेंगे वहां पर। बहुत जल्द ये हमारी तैयारी हो चुकी है, तो इस चीज़ का जो आगाज़ है ये शुरू हो चुका है, ठीक है, कर दिया आगाज़ हमने। तो आपको ये इन चीज़ों को थोड़े टाइम में इंतज़ार करने के बाद ही पाना है। आपको पता है कोई भी चीज़ एकदम से जल्दी नहीं बनती है, हर चीज़ में टाइम लगता है, समय लगता है। सो, हमारी टीम ये काम कर ही रही है, और बैकएंड टीम में थोड़ी सी कमी चल रही है, क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो कम हैं। अभी लगभग 8-9 मेंबर्स की टीम तो बन चुकी है और भी इसमें मेंबर्स ऐड कर रहे हैं। लगभग हमारी टीम जो है वो 20-22 लोगों की हो जाएगी बहुत जल्द। अभी सिस्टम्स लग रहे हैं, अभी पूरे का पूरा सेटअप जो है वो रेडी नहीं हुआ है, तो सेटअप रेडी करने में टाइम तो लगेगा। उसके बाद आप लोग डेली के डेली पीडीएफ लीजिए, डेली आप चैट सेशन में भी ज्वाइन करिए, और जियो फाइबर आने के बाद हम लोग आपको लाइव सेशन डायरेक्टली देंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा कि लाइव आप जब क्लासेस को करोगे ज्वाइन, तो आप टीचर के साथ इंटरेक्ट हो पाएंगे। टीचर ऑटो रिस्पॉन्ड आपको करेगा, आपकी क्लास में ही रिस्पॉन्स करेगा कि भाई आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका आंसर ये है, या इनका ये जो चीज़ें हैं इसको ऐसे करना है। तो टीचर जो है वो आपके साथ इंटरेक्ट होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छी फीडबैक दी है, मज़ा आ गया, आपकी फीडबैक से बहुत खुश हूँ मैं। अभी कमेंट सेक्शन को तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा इतनी ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है मेरा गला थोड़ा भारी रह रहा है, तो प्रॉब्लम तो चली हुई है, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींच पाऊँगा और ना तो मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्टोरी ऐड करूँगा। हाँ, मोटिवेशन सेशन के लिए एक स्टूडेंट ने मुझे वॉइस मैसेज भेजा है, बहुत अच्छी बात है, रियली थैंकफुल टू यू कि आपने इस तरह से डिमांड रखी है मेरे आगे कि सर संडे का सेशन जो है ना इसमें मोटिवेशन लेक्चर डिलीवर करिए, क्योंकि उस लेक्चर में ये है कि आपको या तो मैं कोई सक्सेस स्टोरी बताऊँ या कोई ऐसा मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊँ कि आप लोगों का जो अंदर से जो जील है ना करने की वो जाग जाए, जो इंसान है, जो एक्टिव इंसान होता है वो जाग जाए। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं संडे को इस तरह के सेशन आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा, और हाँ, मैं डेली कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ आपसे इंटरेक्ट करता रहूँ, क्योंकि मुझे फीडबैक की बहुत ज़रूरत है आपकी।
कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। सेशन के बाद मेरी कोशिश होती है कि रात को 10 बजे 11 बजे मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, बट कई बार नहीं होगा तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि कई बार अपनी लाइफ भी है, कई बार हेल्थ, कई बार बहुत कुछ होता है, आपको पता है। पूरा दिन भर ऑफिस में काम करना है, टीचर से काम लेना है, टीम से काम लेना है, स्कूल में काम करना है, इट इज़ रियली वेरी टफ, बट उसके बावजूद हम आपके लिए काम कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट को ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं, आप ग्रो करेंगे डेफिनेटली, मेरा हिमाचल ग्रो करेगा, हम सबका हिमाचल ग्रो करेगा, उसके बाद हिमाचल ग्रो करेगा डेफिनेटली, इंडिया भी ग्रो करेगा, क्योंकि हम अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, हम आपको कंट्रीब्यूट करेंगे, आप हमारे स्टेट को करेंगे, स्टेट नेशन को करेगा, इस तरह से ये चेन है, आगे बढ़ती जाएगी। बट जो मैंने बातें की है कि आप लोग 10-10 लोगों को जोड़ना मत भूलिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप ऐसा करेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, मेरी टीम को भी खुशी होगी। और कुछ चीज़ें हैं जैसा कि हमारे सेशंस में एरर आ जाते हैं कई बार, तो ये डाउट्स होते हैं आपको, तो आप क्वेश्चंस पूछ लिया करो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट डे आपको रिस्पॉन्ड भी मिलता है। आज आपने देखा मैथमेटिक्स के सेशन में सर ने डाउट्स क्लियर करवाए हैं, सिमिलर पिछले कल कुछ जीके को लेकर डाउट्स थे वो भी क्लियर करवाए थे मैडम ने, और भी टीचर्स जो हमारे वो डाउट्स क्लियर करवाएंगे आपके, बट इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो आपने कभी नाराज़ नहीं होना है, कभी रूठना नहीं है प्रेपराइज से, क्योंकि कई बार गलतियां भी हो जाती हैं, कई बार अच्छी चीज़ें भी निकलती है, सीखने को हमें भी मिल रहा है, हम आपको सिखा रहे हैं, आप हमें भी सिखा रहे हैं, सो ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सिखाना है। और मोटिवेशन के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरी की पूरी ताकत झोंक कर आपके अंदर वो ताकत भर दूं कि आप एवरेस्ट पर पहुंचने की भी हिम्मत रख पाओ। मैं कुछ स्टोरियां आपके सामने शेयर करूंगा अगले वीडियो में, ताकि उन स्टोरीज़ के माध्यम से आपको मोटिवेशन मिले। और स्कूल में मेरा स्कूल है जहाँ पे मैं लेक्चर्स देता हूँ बच्चों को, मोटिवेशनल लेक्चर्स देता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि छोटे से छोटा बच्चा भी है उसको मैं मोटिवेट करूँ, तो डेफिनेटली आई विल मोटिवेट यू ऑल। और इसमें आपकी अप्रिसिएशन की भी ज़रूरत रहेगी, जहाँ मैं गलत हूँ टोक दीजिए मुझे, रोक दीजिए मुझे वहाँ पर, मेरी करेक्शन कर दीजिए, बट जहाँ मैं अच्छा करूँगा या जहाँ मेरी टीम अच्छी करेगी आपको वहाँ पर अप्रिशिएट भी करना है, बिकॉज इससे हमारा भी मोरल जो है वो हाई हो जाता है। तो ये बातें तो आप समझ रहे होंगे। दूसरा स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें और हमारी आने वाली है, जैसे वैकेंट टीम जो है हमारी वो बढ़ जाएगी तो सब कुछ आपको प्रॉपर मिलेगा। तो वैकेंट टीम जो है अभी थोड़ी कम है हमारे पास, बहुत जल्द इन द सेंस 1 से 1.5 महीने के अंदर हमारी टीम बढ़ जाएगी। और हाँ, आप अगर पटवारी का कोर्स कर रहे हैं, पटवारी का टेस्ट देने की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ पटवारी के लिए नहीं, ये वीडियोस आप पुलिस के अंदर ज्वाइन करना चाहेंगे, किसी और क्लरिकल एग्जाम में ज्वाइन करना चाहेंगे, तब भी बहुत हेल्पफुल है। डोंट थिंक कि सिर्फ ये पटवारी के लिए है। नेक्स्ट मंथ से भी आपके लिए, जैसे ही पटवारी का सेशन खत्म होगा, हमारा कोई और सीरीज शुरू हो जाएगी, कोई और कोर्सेज शुरू हो जाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इतना नर्चर हो जाओ, इतने प्रिपेयर हो जाओ कि किसी भी टेस्ट को क्रैक करने के लिए आपके अंदर इतना कंटेंट भर जाए, कोई भी पेपर आपके सामने आए, कोई भी टेस्ट आपके सामने आए, आप तुरंत चुटकियां बजाते हुए आप लोग उसको क्वालिफाई कर लो। हमारी ऐसी कोशिश रहेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉलेज गेन करना बुरी बात नहीं है, नॉलेज अपने दिमाग में रखिए, सस्टेन करिए उसको, नॉलेज ग्रैब कर लीजिए, उसके बाद अपने दिमाग में रखिए, उसका यूटिलाइजेशन जो है वो आपका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर होगा। कोई भी चीज़ पढ़ी हुई, कोई भी चीज़ सीखी हुई बेकार नहीं जाती है कभी भी, इसलिए जितना नॉलेज हो बढ़ाने की कोशिश करिए। मैं आपको ये भी बताऊँ कि कुछ और चीज़ें भी हैं, सिर्फ हमारे लेक्चर्स पर भी फोकस मत कीजिए, यहीं तक सीमित मत रहिए, इससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डेली के कम से कम 2 न्यूज़पेपर्स उठा लीजिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, देन यू ट्राई टू रीड 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर एटलीस्ट। इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको पता है हिमाचल में ट्रिब्यून भी मिलता है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी मिलता है, द हिंदू भी मिलता है,
ठीक है, इस तरह के इंडियन एक्सप्रेस भी मिलता है, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जिनमें से कोई भी न्यूज़पेपर चूज़ कर लिए इंग्लिश का, उसके बाद एक हिंदी का न्यूज़पेपर भी कर लीजिए। और हिंदी में मैं आपको बताऊँ, यहाँ हिमाचल में दिव्य हिमाचल फेमस है, अमर उजाला भी फेमस है, पंजाब केसरी है, और आपका फैसला भी है शायद, ठीक है, और भी न्यूज़पेपर होंगे, और इस तरह के चार पांच न्यूज़पेपर में हिमाचल दस्तक भी है, तो ये चीज़ें हिमाचल पर फोकस रहती हैं। यहाँ आपको हिमाचल से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या होगा कि डेली के डेली करंट अफेयर्स जो आएंगे वो आप तक बहुत अच्छी तरह से पहुँचते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर एक बहुत अच्छा जरिया होता है। तो न्यूज़पेपर को रीड करिए, एक इंग्लिश और एक हिंदी न्यूज़पेपर रीड कर लीजिए डेली, जिससे कम से कम एटलीस्ट आप 15 to 20 minutes तो स्पेंड करिए, ताकि उन न्यूज़पेपर्स के अंदर जितना कंटेंट होता है दिमाग में भरेगा। आज हो सकता है आपको जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा उसमें कुछ टर्म्स आपने पढ़ी वो याद ना हो, लेकिन कल वो टर्म्स फिर से रिपीट होगी, आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली बसती जाएगी कि कौन कहाँ का मुख्यमंत्री है, कहाँ पे कौन से चेंजेस हुए हैं। कई चीज़ें होती है डेली बेस पे, हम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं, रेपिटिशन करते हैं उसका, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती है, नॉलेज बढ़ेगा उससे। तो ये चीज़ें जरूर करनी है आपने। कुछ एक मैगजीन्स भी आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास मोबाइल हाथ में है, बहुत कुछ आप मोबाइल पर देख सकते हैं। न्यूज़ अगर पढ़नी है मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के एडिशन जो हैं वो ज़रूर लगवा लीजिए। उसका रीज़न ये होता है कि जो हमारे मोबाइल एडिशन में या मोबाइल में जो चीज़ें मिलती है वो उतनी एफिशिएंट नहीं होती है, क्योंकि जो बुक्स में होता, सॉरी न्यूज़पेपर में होती है, जैसा कि आपके कांगड़ा का एडिशन आता है, या शिमला सोलन का एडिशन आता है, या फिर मंडी का एडिशन, या मंडी कुल्लू का एडिशन आता है, तो उनमें कुछ चीज़ें लोकलाइज होती है, आपको नॉलेज देती है। तो इस तरह से ज़रूर फोकस करिए, और सिर्फ इसी तक सीमित नहीं रहना है कि प्रेपराइज करवा रहा तो हम पास हो जाएंगे। नो, यही एक लिमिटेड नहीं है, इससे ज़्यादा इन लिमिट्स को भी क्रॉस करिए, आप आगे जाके कुछ कंटेंट और पढ़िए, क्योंकि बेहतर यही होगा कि कुछ चीज़ें यहाँ से सीखिए, कुछ उधर से सीखिए, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में नॉलेज जो है वो बढ़ना चाहिए, उसका लेवल बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो और दूसरी बात कि आप यहीं से पढ़ के जाएंगे, हो सकता है कि यहाँ से लिमिटेड क्वेश्चंस आएँ, हमने तो आपको बेसिक्स देने हैं, हम आपको मैथमेटिक्स के अंदर बेसिक्स सिखा रहे हैं, क्योंकि सभी के सभी स्टूडेंट जो उतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं कि वो फटाफट से क्लियर कर लें, या वो एडवांस मैथ जिन्होंने पढ़ा है, इतने हर कोई नहीं है। तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि जो बच्चा बेसिक से चलेगा वही तो हमारे प्रेपराइज पे आएगा, जो वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, वो क्यों प्रेपराइज पे देखेंगे, उनको क्या ज़रूरत है, उनको कोई पटवारी थोड़े बनना है कोई तो। बट जो बच्चा बेसिक्स जिनके क्लियर नहीं है, उनके लिए सबसे फायदेमंद है हमारे लेक्चर्स। जो टीचर्स जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, आप सोचिए कि आपको कहाँ पहुँचा सकते हैं वो लोग। मुझे नहीं लगता किसी ने इस तरह के लेक्चर्स बनाए होंगे, दिए होंगे आप लोगों को, बट आप कोशिश करिए, इन लेक्चर्स पर भी फोकस करिए, और कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं उन पर भी फोकस करना। सो स्टूडेंट्स, अपनी फीडबैक भी देते रहिए, मेरा सेशन इसी तरह से डेली आपके साथ होगा, गेट टुगेदर या चैट कह लीजिए, या गॉसिप्स कह लीजिए, गपशप कह लीजिए, इस तरह का सेशन आपके साथ डेली रहेगा, और संडे को मैं मोटिवेशनल लेक्चर लेकर आऊँगा आपके साथ, ताकि आप लोगों के अंदर वो हिम्मत भरूँ, वो जज्बा भरूँ, आप एक अच्छी दौड़ लगाओ लाइफ की, क्योंकि लाइफ इज अ रेस, कंपटीशन है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। आप ये मत सोचिए कि आप 1195 पटवारी जो हैं वही बनेंगे हिमाचल के अंदर, और हम इतने ही पढ़ रहे हैं, भाई कंपटीशन बहुत है। आपको मैं बता दूं कि कम से कम 1.5 लाख से ऊपर ऊपर की फॉर्म फिल होगी पटवारी की, कैन यू इमेजिन, इतनी फॉर्म्स, इससे ऊपर की फॉर्म्स फिल होने वाली है, इससे ज़्यादा लोग अप्लाई करने वाले हैं, सोचिए फिर आप कहाँ डिजर्व करेंगे, आप ये देखिए ना जरा। घबराना भी नहीं है, कंपटीशन है, हारना थोड़े है इसमें, तो कंपटीशन में हार नहीं माननी है, वी हैव टू फाइट। हमें उस जज्बे के साथ, अपनी अंदर की ताकत के साथ, अपनी स्ट्रेटजी के साथ, अपनी प्लानिंग के साथ हमें आगे बढ़ना है। विदाउट प्लानिंग आप स्टडी भी नहीं कर सकते हो, विदाउट प्लानिंग आप घर नहीं चला सकते हो, खाना तक नहीं बना सकते हो, सॉरी। तो आपको सब चीज़ें करनी हैं, लेकिन उसके लिए अपने अंदर जेल भरो, मोटिवेट रहो, डेली आप मोटिवेशनल लेक्चर सुनो, कुछ अपने आप को इम्प्रूव करो,
और थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन भी कर लिया करो. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हम अपने काम के बाद एक टाइम जो है वो 2 to 5 मिनट्स कम से कम मेडिटेशन पर दीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, ध्यान लगा लीजिए. उससे बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें जो है वो चेंजेस जो है हमारी लाइफ में होते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है. तो इन चीज़ों को करिए. सो आज का स्टूडेंट ये लेक्चर जो है यहीं ख़त्म करता हूँ मैं. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय. जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल. थैंक यू.